यहाँ पे देखिए लाइट लगी हुई है, जैसे कहते हैं कि औरतें रंग बदलती रहती है वैसे ही रंग बदल भाई और बहनों, आप सभी को बहुत जल्द सस्ती गैस और मारिएगा मत आप निकल के पकड़ के, कब सस्ती होगी रे। अब बुढ़ौती आ गई तो बात अलग है, लेकिन घूमने जाने के लिए नाटक नहीं करना चाहिए, आराम से तैयार करना चाहिए, चलना चाहिए सबके साथ। इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। घर में चार दीवारी, कलम को कहती तुम जाओ घूमो तो मन बदल जाएगा, और अपना 2 महीने 3 महीना 4 महीना, और इतने सारे सूट रखी हुई हैं पता नहीं कब पहनी, मुझे तो यही टेंशन होता है। अटैची भर के रखी हुई है तो देख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में, और आज का जो ब्लॉग है ना वो मम्मी के साथ बन रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं बगल में बैठी हुई हैं, हम लोगों ने करीब करीब सेम ही ड्रेस पहन रखा है, आज हम लोग घूमने आए हुए हैं तो, और घर में रहती हैं, बाहर निकलती हैं नहीं, और कह रही हैं बहुत गर्मी लग रही है, ठंडी में गर्मी लग रही है, कभी पसीना आ रहा है, और पीना हमें यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी तो पीना ही पीना है। यहाँ पे आने के बाद अगर कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिए तो बेकार है, कोल्ड कॉफ़ी बड़ी मस्त है यहाँ की। इस तरफ का व्यू देखिए किस तरह का है, और मतलब बीएचयू आने के बाद यार मतलब माहौल ही बन जाता है, गजब का लगता है। और बीएचयू के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो शाम को यहाँ पे आते हैं सैर करने के लिए, और यहाँ पे आरएन की मस्ती अलग ही चल रखी है यहाँ पे। तो आइए चलिए चलते हैं, अंदर का भी व्यू देखा जाता है। यहाँ पे देखिए लाइट लगी हुई है, जैसे कहते हैं कि औरतें रंग बदलती रहती है वैसे ही रंग बदल रहा है। यहाँ पे इस पेड़ के पास रंग बड़ा बढ़िया रहा, तुम खड़े हो गए कि हमें लगा मेरे रंग बदल रहे हैं। कहते हैं कई लोग ना औरतें पल पल में रंग बदलती है, बस वैसे ही रंग बदल रहा है। और ये जो लाइट लगी है वो सीधे शिखर पे जा रही है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और वहाँ पे ना मेरा एक छोटा दोस्त ही बना है, प्यारा सा है, आर्यन उसके साथ खेल रहा है अभी, हाँ उधर खेल रहा है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। और ये लाइट जो लगी वो सीधे वहाँ गुम्बद जा रही है, गुम्बद नहीं यार शिखर पे जा रही है, आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन अब बीएचयू के स्टूडेंट्स जितने हैं सारे यहाँ पे आ चुके हैं, और अब ये देखिए नीचे देखिए किस तरह से वो देखिए सर पे पल्ला दूसरे का, ये तो गलत बात है बहू जी, ये तो सासू माँ देखिए क्या हो रहा है, पल्ला आपका और फोटो किसी और की हो रही है, देख लीजिए आप। ये सब भी हमारे अंदर कलाएं हैं, ये औरतों के अंदर ये सारी कलाएं जो है वो कूट कूट के भरी हुई हैं। लोग दूसरे का बाल लगा के फोटो क्लिक कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो आइए दिखाते हैं आर्यन क्या कर रहे हैं। आर्यन का यहाँ पे एक छोटा आर्यन मच्छर मार रहे हैं, लोग कहते ना मैं मच्छर मार रहा हूँ, आर्यन सच में मच्छर मार रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ना एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ही प्यारा है, आइए मिलाते हैं आपको। ये देखिए ये आर्यन जब छोटा सा था ना तो बिल्कुल आर्यन इसी की तरह लगता था देखने में। हेलो, भागेगा जैसे जाएंगे देखना, मच्छर मार रहा है वो भी। कौन है आर्यन, कौन है ये, फ्रेंड है तुम्हारा? डांस कर दो जैसे अभी कर रहे थे एक बार। हाँ वो ये देखो, अब बाप रे ये मच्छर देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, ये क्या है, क्या है ये है? क्या अभी बोलने नहीं आता है, ये हो रहा है उसका। क्या नाम है इनका? अंशिका। हेलो, यहाँ पे मिलाया मैंने आपको छोटी सी बच्ची, इसका नाम है अंशिका, और बहुत ही क्यूट लग रही थी देखने में। और यहाँ का जो व्यू है ना इस समय आप देखते, और वैसे तो आप हर समय मतलब हर तरफ नज़र घुमाएंगे ना तो आपको बीएचयू के स्टूडेंट्स मिलेगी कोने कोने में बैठे हुए हैं ले लेकर अपनी गर्लफ्रेंड्स को। वो देखिए उधर प्यार मोहब्बत किस तरह से चल रहा है, ये मतलब ये काम बीएचयू के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर ये सब काम करते हैं तो ये सही नहीं लगता है बस। यार मंदिर है थोड़ा सा, मंदिर में वो देखिए मसाज देना, ये सब देना, ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती, लेकिन चलो ठीक है यार, सबका अपना अपना व्यू है कि कोई राधा कृष्ण बन जा रहा है यहाँ के। तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए अब क्या ही बोला जाए, नहीं क्या ही बोला जाए, मत दिखाओ इन लोग को, ब्लर कर देना।
तो यहाँ पे आप दर्शन कर, वाव, ठीक सामने आपको दर्शन हो रहे हैं। यहाँ बाहर से ही, कैंपस के बाहर से ही आपको हम दर्शन करा रहे हैं बाबा के, काशी विश्वनाथ जी के आप दर्शन कर रहे हैं। वाव, इतने भाग्यशाली हम लोग, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और मुझे यार ये देखिए, कोने कतरे ये सब काम करते रहते हैं आप लोग, गलत लग रहा है देखने में, मत दिखाइए उधर। ये बताइए आप पहले इन लोग के मम्मी पापा को अगर वीडियो में कुटाई हो जाएगी, रख के एकदम सू तो देंगे सबको, बेटा पढ़ने भेजा था कि ये सब काम करने भेजा है तुमको यहाँ पे। कंटिन्यू सॉरी यार, इन सब चीज़ों का भी एक अलग मज़ा है यार। मैंने मतलब हम लोग को नहीं करने मिला तो कोई बात नहीं है, बाकी जो कर रहे हैं करने दो। वैसे बच्चों के स्टूडेंट्स आपको हर कोने पे, यहाँ पे कोने कोने पे मिल जाएंगे देखने के लिए। और यार मेरे को खाना है अब आइसक्रीम, नहीं क्या था वो नाम, मैं भूल गई इसका, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। हाँ मुझे कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम खाना है, बट वो चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाना मुझे, गंदा लगता है। आइए अब आपको मिलते हैं, हम तो नहीं बन पाए, कह रहा है कि अब तो आजकल हर लोग इंजीनियर बन पाते हैं, बन जाते हैं, भाई हम तो नहीं बन पाए। सारे इंजीनियर्स को प्रणाम है, पढ़िए लिखिए, ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को अब कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए, और पीछे से हमको धमकियाँ मिल रही हैं और जो हमें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, आप समझ सकते हैं। तो फाइनली हमने दे दिया यहाँ पे अपने ऑर्डर, हमने दे दिया है मम्मी लोग के लिए और अपने लिए, और मुझे तो चॉकलेट बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है वनीला वाला। मम्मी कहाँ चली गई, हमारे साथ घूम गई, हमें लगा ये देखिए यहाँ पे बैठ के वेट किया जा रहा है, जल्दी से फटाफट से आइसक्रीम है। यार आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है यार, इसलिए मैं जितनी बार आती हूँ उतनी बार आपको आइसक्रीम दिखाती हूँ। मम्मा को नहीं मिलेगी, मम्मा को बोल नहीं देगा, मेरे पास भी मुंह है, देखो आ देखो, चलो टेप मार दीजिए बंद हो जाएगा। हाँ इन्हीं को मिलेगा, सब चीज इन्हीं को चाहिए, दूसरे को कुछ नहीं चाहिए, सुन लीजिए आप सब लोग। हाँ इनको खाना है आइसक्रीम, हाँ जब से घुसे यहाँ पे, जब से आए हैं, मतलब बस एक ही बात इसके मुंह से निकल रही है कि कोल्ड कॉफ़ी। इधर देखिए फोटो शूट कर रही है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और बी एच यू के स्टूडेंट मतलब हर तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और सबको यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी जो है ना बहुत ही फेवरेट है सबकी, जो भी आता है यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर पीता है, जो कि 40 रुपीज़ की आती है, मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी आ भी गई है। ले 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 आ गई आ गई आ गई, ये देखिए ये आपको नहीं मिलेगी, मेरे को नहीं मिलेगी तो फिर किसी को नहीं मिलेगी है ना, आप लोग बताइए यस और नो। नो मार दूंगी दो तुरंत। अच्छा एक सिप तो मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है, मैं उधार फेंकूंगी। यहाँ पे आ चुकी है हमारी कोल्ड कॉफी जैसे कि आप देख सकते हैं, और मुझे ये पसंद है, मैं पी के ही मिलूंगी आपसे, बहुत ही टेस्टी होती है यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी, मिलते हैं कोल्ड कॉफ़ी पी के। और यहाँ आप आते हैं तो कोल्ड कॉफ़ी, यहाँ आने पे ना कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर पीजिए, क्योंकि यहाँ की जो कोल्ड कॉफ़ी है वो 40 रुपीज़ की मिलती है, और ये देखिए और कितनी सारी मिलती है, बड़ा ही मज़ा आता है इसको पी के। मोटे अंकल जी बेचते हैं इसको यहाँ पे, और बहुत सारी वैसे शॉप है यहाँ पे, लेकिन जो मोटे अंकल जी बेचते हैं वो बहुत अच्छे बेचते हैं, वहीं से लीजिए और वहीं से पीजिए, मतलब निकले बाहर और यहाँ पे आपको ये मिलता है। तो अब आपको हम ले, अब आप मम्मी को और आपको दोनों को लेकर आ गए हैं, मंदिर घुमा रहे हैं आज, मम्मी को दर्शन पूजा पाठ करा रहे हैं, इसलिए आए हुए हैं मणि मंदिर। आप जैसे कि आपको 2-3 बार शायद मैंने दिखाया भी है कि मणि मंदिर का स्वरूप कितना भव्य और कितना खूबसूरत। मम्मी पहली बार आई है, मम्मी का एक्सपीरियंस पूछिए कैसा लगा मम्मी आपको, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर, हाँ देखिए बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है ये। और यहाँ पे शिव परिवार भी आपको उधर दिख जाएगा, राधा कृष्ण भी, हनुमान जी भी, आपको हर एक भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे जिन लोगों ने शिवलिंग की स्थापना कराई है उनके नाम तक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए
हाँ सारी लाइट्स पड़ रही है, पूरा गोल्डन लग रहा है देखने में ना। हाँ बैठ जी, बैठेंगी फटिक वाले दर्शन करने। आइए चले आइए, अब यहाँ पे व्हाइट कलर की शिवलिंग है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए आजकल वो नया गाना आया हुआ है ना, है तमन्ना तुम्हें हम दुल्हन बनाए, बड़ा गजब लगता है गाना, बड़ा अच्छा है वाला। वाह तो ये देखिए आप पूरा वाइट द्वादश ज्योतिर्लिंग है। हाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग है, एक हजार आठ। आपको हम बता दें हमारी जो मम्मी है उनकी संस्कृत और हिंदी दोनों बहुत ही अच्छी है। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। स्फटिक क्या है? हाँ स्फटिक क्या है? देखिए पूरा आर पार के है इसमें। हाँ ये शिवलिंग सब स्फटिक है, देखिए ये देखो इधर से देखो यार पानी लग रहा है, एकदम पानी लग रहा है, बर्फ जैसा, एकदम बर्फ जैसे लग रहा है, बहुत सुंदर। काशी में अजीब अजीब सब मंदिर हैं देखने लायक, हजारों मंदिर हैं। और वैसे तो यहाँ पे कहते हैं शंकर जो है वो कण कण में वास करते हैं। मम्मी आइए इधर भी आपको दर्शन कराते हैं, यहाँ पे देखिए इधर सूर्य भगवान भी आए, सूर्य भगवान के भी दर्शन करना है तो बनता ही है। साफ कितना रहेगा? हाँ मंदिर बहुत साफ रखा गया है। यहाँ पे देखिए शंकर जी माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा लेते हुए आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ यहाँ पे भी स्फटिक ही है। अशोक चड्ढा ने लगवाया है। ऐसी सब जगह शांति में रहने की जगह है। ऊपर क्या है? मंदिर। जय माँ दुर्गा, दुर्गा माई की जय। आइए वो देखिए उधर राधा कृष्ण। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं अर्धनारीश्वर महाराज भगवान के, आदि शंकर आदि पार्वती। हाँ यहाँ पे है शिव जी, ढेर सारे शिव जी की वो हैं मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये नहीं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं, भगवान के नाम पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आना चाहिए। हर हर महादेव। आज हम अपनी मम्मी को घुमाने लेकर आए हुए हैं, आपको ढेर सारे ब्लॉग मिलेंगे अच्छे अच्छे, लाइक करेंगे तो आप लोग को सस्ती गैस मिलेगी आप सभी को सस्ती गैस मिलेगी और नहीं सिलेंडर मिलेगी मतलब और क्या, सस्ती बिजली मिलेगी। ये मोदी जी का वादा था और अब ये मेरा वादा है। आइए और बहनों आप सभी को बहुत जल्द सस्ती गैस, और मारिएगा मत आप लोग निकल के पकड़ के, कब सस्ती होगी रे, बोल तेरी की बोल कब सस्ती मिलेगी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि हम क्या बताएं आपको, हम तो घूमने भी नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं घूमने, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। और भगव सुने नहीं रही है ये देखिए, ये जो मुस्कुरा रहे हैं पहाड़ लिए चले जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, पैसा वैसा आ ही नहीं रहा है, क्या करें हम।
पैसा आएगा तभी ना काम होगा, पैसा। ये देखिए यहाँ पे आप शिव परिवार के दर्शन कर रहे हैं, क्या चीज है ये, क्या चीज है ये, पता नहीं क्या। हाँ रुद्राक्ष की, हमको रुद्राक्ष की माला मिली, आप पैसा बरसेगा। अपने पर्स को खोल के बैठिए आप सब। रुद्राक्ष का दाना, रुद्राक्ष का दाना है, हाँ किसी माला से निकला है, रख लें क्या है, रुद्राक्ष की माला मिली हमें। अच्छा वही जो दान दे दी सब कुछ, हाँ बताई थी और परपाती जी ने कह दिया था, बस मेरा भजन सत्संग खत्म होगा आखिरी वजह और उनका प्राण निकलेगा, और दादी जी का प्राण निकला था, बहुत बड़ी उनको अपना गुरु मानती थी दादी जी, मतलब हमारी ददिया सास सारा चीज दान दे चली गई वो। सब कुछ घर बार सब कुछ दान दे दी बस, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर दी होती तो आज हम लोग के पास कितनी संपत्ति होती, हमको कोई दान नहीं दे रहा है, बड़े ढूंढ रहे हैं हम कोई ऐसा दानी हमें मिले, तो कहें मैडम बस UPI भेजिए आप, हम करोड़ रुपए दे नहीं एक करोड़ से भी कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को बढ़ा रहा है। हाँ ये भी हो सकता है, मम्मी ने एकदम लॉजिक वाली बात बोल दी, अब हम इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे ये देखिए क्या भव्य शिवलिंग है, शिवलिंग देखिए कितनी भव्य है यहाँ पे। मम्मी कैसे आप बता रहे थे गंगा जल चढ़ाने का तरीका, ये ऐसे है एक तरफ गणेश जी हैं, एक तरफ कार्तिकेय जी हैं, बीच में जलधारी निकलती है इनकी बेटी है, उधर जो है गौरजा है पार्वती जी, उनको जल चढ़ाने पहले इधर चढ़ाने से फिर है, फिर बीच में अब उनके परिवार है ये, और उसके चारों तरफ जल चढ़ाने चाहिए पार्वती जी हैं, फिर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, ये गुरु जी बोलते हैं। इतना डीपली तो ये हमें नहीं मालूम था, ये गुरु जी बताते हैं। बुझला कि नहीं, बुझलू कि नहीं, अरे उन सबसे बोल रहे हैं जो देख रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं बुझले कि नहीं, बुझला कि नहीं, ना बुझले तो हमारा फिर से रिपीट करके देख ला वीडियो, बुझ जावा बुझ जावा बुझ जावा। यहाँ से एक बार मंदिर दिखाई कितना खूबसूरत लग रहा है, हमको यहाँ पर रील बनाने का बड़ा मन कर रहा है। अश्वतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे, ते बुलाते नहीं नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद राम। कितना अच्छा लग रहा है ना, तो फाइनली आज हमने मम्मी को घुमाया ढेर सारा और हम अपने आप को देख रहे हैं क्योंकि फ्रंट कैमरा चल रहा है। तो आज हम अपने ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, आई होप आज का जो ब्लॉग है वो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ऐसे ही आप भी अपनी मम्मी को घुमाने लेके जाइए, ठीक है। ये तो घूमने ही आना ही नहीं चाहती हैं, बहुत नाटक है इनके, मैं नहीं जाऊँगी मैं नहीं जाऊँगी मैं नहीं जाऊँगी, नहीं दर्द होता है वो बात अलग है, लेकिन अब नहीं जाएंगी तो कब, नाटक कब जाएंगी, अब नहीं जाएंगी तो कब जाएंगी बताइए, अब बुढ़ौती आ गई तो बात अलग है, लेकिन घूमने जाने के लिए नाटक नहीं करना चाहिए, आराम से तैयार होना चाहिए, चलना चाहिए सबके साथ, इंजॉय नहीं करेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, घर में चार दीवारी। कल हमको कहती तुम जाओ घूमो तो हम मन बदल जाएगा, और अपना 2 महीने 3 महीना 4 महीना और इतने सारे सूट रखी हुई हैं पता नहीं कब पहनी, मुझे तो यही टेंशन होता रहता है।
अटैची भर के रखी हुई है। तो देखिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने माता पिता को खुश रखिएगा, ऐसे ही घुमाइए पिलाइएगा और कोल्ड कॉफ़ी पिला दीजिएगा। मेरी मम्मी को तो कोल्ड कॉफ़ी बड़ी पसंद आई। आई नहीं आई, लेकिन बर्फ नहीं थी ना। अरे जुकाम हुआ इनको, इनको खाना है अभी, बर्फ बाकी है इनका। डांटा गया इनको वहाँ पे कि नहीं नहीं आपको नहीं मिलेगा। तब भी चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ये बंदर को देख लीजिए, इसके चेहरा अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा लाइक शेयर इसके नाम के भी करिएगा। बाय बाय।